हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स हाउ यू होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल जरा एक बार बता दो आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है कि नहीं तो एक बार जरा जल्दी से बता दीजिए आवाज वगैरह क्लियर आ रही है कि नहीं ताकि आज का सेशन स्टार्ट किया जाए ठीक है और एक बार जल्दी से सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए ताकि आज के सेशन की शुरुआत करी जाए और साथ ही साथ जय हिंद जय भारत आवाज वगैरह क्लियर है भाई मुंगेर वालों की तरफ से गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग चलिए तो जैसा कि आप जानते हैं ठीक है आपकी आगामी टेट परीक्षा की करवाई जा रही है यहां पर ताबड़तोड़ तैयारी तो एक बार जय हिंद जय भारत फिर से ठीक है और आप सभी को पता है सी टेट का क्रांति बैच इज ऑलरेडी रनिंग विद ए फ्लैट डिस्काउंट ऑफ सिक्सटी परसेंट और आपको बैच मिलेगा ट्रिपल नाइन में और अगर आप दोनों पेपर लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगा वन थ्री ट्रिपल नाइन सॉरी वन थ्री डबल नाइन में ठीक है और बैच इज ऑलरेडी रनिंग विद अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ फिफ्टी परसेंट ट्रिपल नाइन में जनरल पेपर सब्जेक्ट में और कॉम्बो वन ट्रिपल नाइन में अगर आप बैच में से किसी भी बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप या फिर कॉल कर सकते हैं और इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक ऑक्टोपस के कितने दिल होते ठीक है तो एक ऑक्टोबस के ऑक्टोबोस अष्टभुजी जिसको हम डेवल फिश के नाम से भी जानते हैं डेवल फिश सैतान मछली सैतान मछली इसके कितने दिल होते हैं नौ पांच तीन दो बताओ डेवल फिश <laughs> तो के शैतान मछली के कितने दिल होते हैं हाउ मेनी हार्ट एन ऑक्टोपस है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अच्छा वेरी गुड 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 वेरी 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 चलिए वेरी गुड तो ऑक्टोपस के बेसिकली आपके कितने दिल होते हैं तीन दिल होते हैं ठीक है दे हैव थ्री डिफरेंट हार्ट ठीक है तो सी विल बी द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट थिंग इज आपका केचुए किसकी सहायता से सांस लेते हैं ठीक है केचुओ को किसानों का दोस्त भी कहा जाता है और इनके द्वारा जो खाद बनाई जाती है उस प्रक्रिया को हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं तो केचुए जो सांस लेते हैं वो किसकी सहायता से लेते हैं ठीक है वर्मी कंपोस्टिंग ठीक है फेफड़े की सहायता से भालू है भालू भालू बियर्स बियर्स को भालू कर दिया गधों ने कान की सहायता से नाक की सहायता से या त्वचे की सहायता से वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड सभी सही हो क्या बात है क्या बात है क्या बात है ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी स्किन ठीक है त्वचा की सहायता से आपके क्या केचुए सांस लेते हैं जिनकी भी त्वचा नमीदार और चिपचिपी हो उनका सांस लेने का तरीका एक त्वचा हो सकता है तो डी विल बी द राइट एंसर चलिए नेक्स्ट थिंग इज पक्षी की कौन सी प्रजाति सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ती है ठीक है बार हेडेड गूस स्विफ्ट कैनवास बैक या टील ठीक है द बर्ड विच फ्लाइज एट हाइएस्ट एलिवेशन बताइए सबसे ज्यादा ऊंचाई पे कौन सा पक्षी उड़ता है तो सबसे ऊंचाई पे कौन सा पक्षी उड़ता है ठीक है बार हेडेड गोज स्विफ्ट कैनवास बैक या टील बी 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 क्या बात है क्या बात है क्या बात है बी फॉर भोपाल अरे नालायको वो कल का क्वेश्चन था कल का क्वेश्चन ये था कि भारत का मिलने वाला सबसे तेज सबसे तेज पक्षी कौन सा है भारत में मिलने वाला सबसे तेज पक्षी कौन सा है और वर्ल्ड में मिलने वाला सबसे तेज कौन सा है मैं पूछ रहा हूं सबसे ऊंचाई पे ऊंचाई पे उड़ने वाला हिमालय में एक पक्षी पाया जाता है जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है उसको हम बोलते हैं एशियन गूज या फिर बार हेडेड गूज ए विल बी द राइट आंसर तो कल के क्वेश्चन को आज के क्वेश्चन से मत मिलाओ ए राइट आंसर ठीक है तो था अच्छा फिर ठीक है तो स्विफ्ट आपका भारत में मिलने वाला सबसे फास्टेस्ट बर्ड है सबसे तेज पक्षी है ठीक है बट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भाई ये बताओ सबसे ऊंचाई पे मिलने उड़ने वाला कौन सा पक्षी है तो बार हेडेड गूस आपका हिमालय में मिलने वाला एक पक्षी है जो कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है क्लियर है इतो क्लियर है सब इनको ठीक है पहली बार पढ़ रहे हो किसी ने पढ़ाया नहीं होगा देखो अब सी टेट में थोड़ा बहुत एडवांसमेंट आ रही है जो हमेशा पूछा जाता है कोई जरूरी नहीं है अब वो पूछा जाए लास्ट टाइम के पेपर का अगर एनालिसिस करोगे साइट पे पड़े हुए हैं सब ठीक है जाके उठा लेना किसी भी साइट से अगर आप एनालिसिस करोगे तो अब आप पाओगे कि अब हर बार की तरह वो नहीं है कि हर बार जे पथरीले रास्तों के द्वारा कहाँ स्कूल जाया जाता वही प्रश्न आ रहे हैं कुछ प्रश्न अब आपके साइंस से लिए जा रहे हैं क्लियर है चलो विश्व में किस जानवर का दिमाग सबसे बड़ा होता है डॉल्फिन ऑक्टोपस ब्लू वेल या शुक्राणु वेल स्पम वेल सर मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रही है ऐसे क्वेश्चन वो इसलिए पढ़ रही हो मधु वर्मा क्योंकि मैं आपकी जो आते हैं उनकी भी तैयारी करवा रहा हूं जो नहीं आते जो नहीं आते अभी तक और आ सकते हैं क्योंकि अब क्या जीके साइंस वगैरह सब डाल रहे हैं सीटेड वाले जब से ऑनलाइन हुआ है तो उनकी भी तैयारी करवा दे रहा हूं इसलिए लिख लेना ठीक है तो सबसे बड़ा दिमाग किसके पास होता है सी 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 ब्लू वेल का दिमाग सबसे बड़ा होता है क्या बात है क्या बात है क्यों क्योंकि ब्लू वेल इस दुनिया का सबसे बड़ा जीव है, है ना आंसर है ठीक है वेल में कईयों सारे टाइप की वेल होती है हम्प वैक वेल स्पम वेल ब्लू वेल ब्लू वेल इस धरती का सबसे बड़ा जीव है बट स्पम वेल का दिमाग ठीक है yourself, ब्लू वेल से ज्यादा बड़ा होता है इनका दिमाग का वजन सात किलो तक का होता है ठीक है तो डी विल बी द राइट आंसर एल्बे ये ठीक है तो डी बी द राइट आंसर ठीक है स्पम वेल का दिमाग सबसे बड़ा होता है तो डी इसका क्या है सही जवाब है नेक्स्ट थिंग उल्लू अपना सर कितनी दूर तक घुमा सकता है 90 डिग्री 160 सौ 235 डिग्री 270 डिग्री दो डिग्री उल्लू तो उल्लू उल्लू कोई तुम्हें बोले तुम तो उल्लू हो पूरे, का पूरे? के पूरे अगर नहीं हो ही नहीं सकता 270 डिग्री तक सर ही नहीं घूमता पॉसिबल ही नहीं है कितना घूम पा रहा है तुम्हारा सर ये लो ये लो दो थोड़ी घुमा लो तो उल्लू अपना सर कितने डिग्री तक घुमा सकता है तो वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी 270 डिग्री इसी 270 को अपना सीट एड तीन डिग्री बोल देता है जो कि प्रैक्टिकली इंपॉसिबल चीज है 360 डिग्री किसी भी जानवर का सर नहीं घूम सकता तो 270 डिग्री आपका उल्लू अपने सर को घुमा सकता है ये इसकी मैक्सिमम है सर बहुत लोग 360 बताते हैं हाँ जो कही सुनी बातें हैं उसको वो तीन सौ साठ वो क्या है ऐसे पीछे होके देख लेता है ना उल्लू क्या करता है अपनी गर्दन को ऐसे पीछे का मोड़ के देख लेता है तो उनको लगता है ये तीन सौ साठ है जबकि तीन सौ साठ का मतलब होता है एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन कि जहां से स्टार्ट किए घुमा के वहीं से वापस ले आओ तो बुद्धि नहीं यूज करते मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी होगी हमने तो हमारी तो मैथ्स बेकार है बट इतना भी नहीं है कि तीन सौ साठ का मतलब नहीं समझ में आता तीन सौ साठ पे क्या चलता है तुम्हारे पहिया कि यहां से स्टार्ट किया यही घूम के आ गया ये तीन सौ साठ हो गया ठीक है चलो क्लियर है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी नेक्स्ट इज एक सींग वाला गेंडा कहां पाया जाता है सुमात्रा में अफ्रीका में भारत में या श्रीलंका एक सिंग वाला गेंडा कहां पाया जाता है एक सिंग वाला गेंडा सर नमस्ते नमस्ते तीन सौ साठ तो किसी की भी नहीं रोटेट होती ना होती है जो पिक्चरों में चौड़ैले आ जाती है ना उनकी हो जाती टक 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 एकदम से घूम के आ जाती है उनकी रोटेट होती बर्ड एल्बर्ट्रॉस है उसी की उसमें तो वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है भारत में ठीक है आपका एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है काजीरंगा Park, तो नेशनल पार्क फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो ठीक है तो काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो तो सी विल बी द राइट आंसर असम में है नेक्स्ट थिंग इज आपका बाघ की उप प्रजातियों में ठीक है बाघ की उप प्रजातियों में आकार में सबसे बड़ा बाघ कौन सा है साइबेरियन बाघ इंडो चाइनीज बाघ सुमत्रन बाघ या बंगाल टाइगर होता है हमारा बाल एंड सॉकेट नहीं गर्दन नहीं में बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट नहीं होता ना मेरी लाली गर्दन में तो एक्सियल ज्वाइंट रहता है ठीक है कौन सा बोलता है पाइवोट ज्वाइंट जो पीवत है उसका जावत है जो ज्यादा दारू पी लेता है उसका यही ज्वाइंट चला जाता है तो जो पीवत है भाभी जी चलिए तो बाघों की प्रजातियों में सबसे बड़ा जो बाघ होता है वो होता है वेरी गुड साइबेरियन बाघ साइबेरियन टाइगर्स आर द लार्जेस्ट टाइगर्स इन द वर्ल्ड ठीक है और अगर कोई पूछा कि सबसे छोटा कौन सा होता है तो सबसे छोटा होता है आपका सुमत्रन बाघ सुमत्रन आर द स्मॉलेस्ट टाइगर इन द वर्ल्ड नहीं बेटा नहीं। नहीं नहीं, नहीं 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 बंगाल टाइगर नहीं रॉयल बंगाल टाइगर सबसे बड़ा टाइगर नहीं होता ठीक है साइबेरियन टाइगर इज द लार्जेस्ट टाइगर इन द वर्ल्ड ठीक है तो बाघों की वैरायटी में सबसे बड़ा जो बाघ होता है वो साइबेरियन टाइगर होता है ठीक है दिस इज द साइबेरियन टाइगर जो आपको बीच में दिख रहा है और लेंथ वाइज आपको सबसे बड़ा दिख रहा होगा और दिस इज द सुमट्रन टाइगर ठीक है जो आपका यहां पे है सब पे स्ट्राइप्स पैटर्न सब पे अलग-अलग होते हैं उसी को देख के पता लगाया जाता है लेंथ को देख के पता लगाया जाता है बॉडी के शेप को देख के पता लगाया जाता है कि कौन सा टाइगर कैसा है ठीक है तो देयर आर नाइन सब स्पीशीज बंगाल टाइगर इंडो चाइनीज टाइगर ठीक है ये चाइनीज टाइगर तो चाइना वाले जैसा लग रहा है जियो, जियो, हचो, हचो। जावन टाइगर साउथ चाइना टाइगर साइबेरियन टाइगर कैस्पियन टाइगर ठीक है सुमत्रन टाइगर मलायन टाइगर और बैलनीस टाइगर ठीक है क्लियर ऐसे क्वेश्चन तो कभी नहीं आए सीटेट में मनीषा रावत गारंटी लेती हो नहीं आएंगे गारंटी ले लोगे तो भाई नहीं कराएंगे कोई बात नहीं चलो नेक्स्ट थिंग आपको बताया मैंने दो बर्ड बताई थी एक साइबेरियन क्रेन और एक आर्कटिक टन ये आपकी नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आती है है ना ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक आती है जिसमें साइबेरियन क्रेन ठीक है साइबेरिया से चालू करती है नॉर्थ पोल से और साउथ में आपका इंडिया तक आती है भरतपुर तक आर्कटिक टर्न जो है वो आपकी एंटार्क्टिका में जाती है साउथ पोल में बट आती कहां से आइसलैंड से आती है ग्रीनलैंड से आती है कनाडा से आती है कि रूस से आती है ठीक है तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है जो आपकी आर्कटिक टर्न है वो कहां से आती है ग्रीनलैंड से आती है और ये कहां जाती है आपकी ठीक है एंटार्टिका जाती है और सारे बर्डो में जितने भी पक्षी हैं उन सभी पक्षियों में सबसे बड़ी फ्लाइट सबसे लंबी फ्लाइट इसी पक्षी की होती है ठीक है नियर अप टू फिफ्टीन थाउजेंड किलोमीटर तक ये आपकी क्या करती है फ्लाइट करती है <laughs> तो ग्रीनलैंड से जाती है कहां पे एंटार्टिका है, तो बी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट थिंग इज डब्ल्यू डब्ल्यू एफ के लोगो पर किस जानवर का ठीक है लोगो दिखाया जाता हाथी का ध्रुवीय वाले का पांडा का या राइनो का बताओ कि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर उसके लोगों पे कौन सा जानवर देखने को मिलता है तो वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है पांडा देखने को मिलता है और ये पांडा कहां की एंड में किस स्पीशीज है कहां की स्थानीय प्रजाति है कहां की स्थानीय प्रजाति है पांडा कहां की स्थानीय प्रजाति है बताओ पांडा कहां की स्थानीय प्रजाति है वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी चाइना चाइना ठीक है चाइना की स्थानीय प्रजाति है नेक्स्ट थिंग इज कौन सा देश जंगली विच कंट्री इज द होम ऑफ लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इन द वर्ल्ड कौन सा देश जंगलों में बाघों की सबसे बड़ी आबादी का घर है सुमात्रा भारत रूस या मलेशिया कहने का मतलब यह सबसे ज्यादा टाइगर्स ठीक है इन द वाइल्ड मतलब जंगलों में सबसे ज्यादा टाइगर कहां देखने को मिलते हैं सुमात्रा में भारत में रूस में या मलेशिया में तो इन द वाइल्ड टाइगर सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलते हैं तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है तो जंगलों में टाइगर सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलते हैं भारत में ठीक है तो भारत ऐसा देश है जहां जंगलों में टाइगर सबसे ज्यादा देखने को मिलते नेक्स्टिंग इज मकड़ी के कितने पैर होते हैं हाउ मेनी लेग्स ठीक है डज स्पाइडर हैव ठीक है चार छह आठ बारह तो मकड़ी के कितने पैर होते हैं मकड़िया मकड़िया भारत में कम रह गए नहीं वाइल्ड में वाइल्ड का मतलब होता है जंगल जंगल में अभी भी भारत में सबसे ज्यादा है ठीक है कैप्टिविटी में तो फिर तुम देख लोगे तो सुमात्रा मलेशिया यहां पे बहुत है कैप्टिविटी में बेटा कैप्टिविटी में पकड़ के जो धर रखे हैं जानबूझ के वाइल्ड मतलब जंगल कैप्टिविटी मतलब जू ठीक है तो वेरी गुड तो मकड़ी के कितने पैर होते हैं आठ पैर होते हैं ठीक है बिच्छू के भी कितने होते हैं आठ पैर होते हैं अगर कभी स्पाइडरमैन पिक्चर देखी हो तो उसकी छाती पे जो मकड़िया बनी हुई है उसमें देखना कभी ध्यान से ऐसे 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 और ऐसे ऐसे ठीक है ठीक है तो ये है स्पाइडरमैन ठीक है नहीं ये स्पाइडरमैन का लड़का लग रहा है तो ऐसी आपकी इमेज बनी होती है तो टोटल, पैर होते है? Lakh, तो टोटल हो कितने? कितने होते तो कितने एट बिच्छू गति से चलने वाला भूमि जानवर कौन सा है गैल कछुआ घोंगा तीन पंजे वाला स्लॉथ या कोआला भालू सबसे धीमी गति से चलने वाला द स्लोएस्ट ऑर्गेनिज्म सर फिर इंडिया में क्यों ला रहे टाइगर ओ गैया टाइगर नहीं चीता लाया गया चीता चीता और टाइगर में द, अंतर होता है ठीक है सबसे स्लोएस्ट जानवर कौन सा है इस धरती का वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड इस धरती में मिलने वाला सबसे धीमा जीव जो है वो घोंगा है ठीक है घोंगा है, दूसरे नंबर पे आपका है स्लोथ दूसरे नंबर पे आपका है स्लोथ ठीक है तो घोंगा सबसे धीमा होता है और स्लोथ दूसरे नंबर पे सबसे स्लोएस्ट जानवर है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी ठीक है नेक्स्ट थिंग इज हाथी शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए शरीर के किस अंग का उपयोग करते हैं सूंड का पूछ का दांत का या फिर कान का तो हाथी अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए ठीक है कौन से पार्ट का उपयोग करते हैं सूंड का पूछ का दांत का या फिर कान का बी तो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आपने अक्सर कर देखा होगा हाथी जब खड़े वड़े रहते हैं तो ये अपने पंखों को सॉरी uh, अपने कान को पंखों जैसे यूज करते रहते हैं तो इससे ये अपने आप को हवा करते साथ साथ ही अपनी बॉडी की हीट को रेगुलेट करने के लिए ये कीचड़ में नहाते रहते इसलिए इनको कीचड़ में खेलना पसंद है तो डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट थिंग इज ठीक है एक हाथी के दांत डैश संशोधित होते चवरनक अर्घ चवरणक रुदनक तो एक हाथी का जो दांत होता है वो डैश संशोधित होते चवरनक होते अर्घ चवरणक होते क्रंतक होते रुदनक होते बताइए कौन सा दांत होता है हाथी का 13 का डी फोर्टीन बताओ आप फोर्टीन पे आ गए एलिफेंट में होकर मेन्स्ट्रल साइकिल होता है नहीं किसने बोला तुमसे यानी एलिफेंट में ईस्टर साइकिल रहता है हीट पीरियड रहता है मेन्स्ट्रल साइकिल प्राइमेट्स का फीचर है और कुछ जानवरों का एलिफेंट में मैंने तो नहीं सुना कभी भी चलिए तो जो हाथी के जो दांत होते हैं बेसिकली ठीक है वो आपके क्या होते हैं मॉडिफाइड रूपांतरित सामने वाले दांत होते हैं जो तुम्हारे ये बढ़ के निकल आते हारमोनियम बताते थे वही हाथी के बढ़ के ये निकल आते हैं बट फर्क सिर्फ इतना है आपके ये वाले बाहर निकलते हैं हाथी के ये वाले बाहर निकलते हैं सेकंड इनसाइजर बाहर निकलता हाथी का तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी क्रंतक ठीक है क्रंतक आपने एक्सेप्शन है याद नहीं है मेरे को उमा शुक्ला टू तो बी वेरी ऑनेस्ट याद नहीं है अभी याद नहीं आ रहा कि हाथी में मेंस्ट्रुअल साइकिल है कि एस्ट्रस है मेरे हिसाब से एस्ट्रस है देखना पड़ेगा एक विश्व में बाघ की कितनी उप प्रजातियां पाई जाती है तीन सात नौ बारह हाउ मेनी सब स्पीशीज ऑफ टाइगर आर फाउंड इन द वर्ल्ड ठीक है तो कितनी आपकी दा, वो बाघों की सब प्रजातियां उप प्रजातियां देखने को मिलती है ए? सर हाथी किस हिस्से से सांस लेता है बेटा ये ट्रंक जो यूज हो रही है दो तो छेद काय के लिए फुपकारा मानने के लिए लिए दिए थोड़ी दिए स्मेलिंग ऑर्गन है वही है नाक। तो वेरी गुड अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने टाइगर्स की पिक्चर्स दिखाई थी वहां पे मैंने आपको नौ अलग अलग वहां पे लिखा भी होता था नौ सब प्रजातियां मिलती है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी नाइन ठीक है देखो थोड़ी देर पहले ही एक क्वेश्चन कराया था यहाँ पे कि सबसे बड़ा टाइगर कौन सा होता है और यहाँ पे फोटो भी दिखाई थी नौ की ये रही ठीक है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ और यहाँ किसका लगा हुआ है डब्ल्यू डब्ल्यू एफ का तो डब्ल्यू डब्ल्यू एफ के अनुसार बाहर पूरे वर्ल्ड में टाइगर की किस कितनी प्रजातियां उप प्रजातियां नौ उप प्रजातियां ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी नाइन ठीक है चलिए नेक्स्ट थिंग इज निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है सीधे बच्चे पैदा नहीं करता इकाइडना कंगारू साही या वेल कैंगे कंगारू कंगारू तो बताओ इनमें से निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है सीधे बच्चे पैदा नहीं करता है ठीक है तो कौन सा मैमल है वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी और इसी इकाइडना को आप स्पाइनी एंड ईटर ठीक है स्पाइनी एंड ईटर या फिर चीटी भी बोलते हो खोर भी बोलते हो ठीक है तो ए विल बी द राइट आंसर तो दो मैमल ऐसे हैं एक प्लेटिपस ठीक है, टीग्लोस ठीक है और एक आपका स्पाइनी एंटीटर दैट इज आपका एक ये आपके क्या करते हैं बच्चे पैदा करते हैं सॉरी अंडे देते हैं सर क्लास निक नहीं लग रहा है? क्लास निक नहीं दे दिलीप प्रजापति का बोल रहे हो समझ में नहीं आया चलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है ए नेक्स्ट थिंग इज आधिकारिक तौर पर एक शुंभकर पेश करने वाला भारत का पहला बाघ अवार ने जिसने भूर सिंह द बारा सिंगा नाम दिया गया द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया टू ऑफिशियली इंट्रोड्यूस ए मैसकट विच बीन नेम्ड भूर सिंह द बारा सिंगा इज काना टाइगर रिजर्व ठीक है सुंदरवन टाइगर रिजर्व बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बताइए मतलब अच्छा नहीं लग रहा तो अच्छे लगने के लिए इनके लिए कल लिपस्टिक लगा के आए मैडमों की तरह है ठीक है ऐसा लटका झटका मारे तुम्हारे लिए हाय अल्लाह पढ़ लो ना पढ़ लो ना बिचाओ साड़ी पहन गया है ठीक है और स्कर्ट पहन गया है और ब्लाउज पहन गया है बताओ मुजरा करे अच्छा लगाने के लिए तुम्हें चलिए तो आधिकारिक तौर पर ठीक है शुंबकर पेश करने वाला भारत का पहला बाघ अवार ने, जिसने भूर सिंह द बारा सिंगा नाम दिया गया ठीक है वो कौन है दैट इज काना टाइगर रिजर्व ठीक है यहां पे आपका एक बारा सिंगा को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम रखा गया क्या भूर सिंह ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी इस प्रश्न का उत्तर है दैट इज ए सारी मैम ऐसी नहीं होती सर youtube पर आजकल 90% मैम ऐसी ही होती है 90% 10% आर एक्सेप्शंस लाइक आंचल में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठंडे खून वाला है मगरमच्छ नेवला लोमड़ी बंदर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज कोल्ड ब्लड सर अपनी एप्लीकेशन की बायोलॉजी क्लास बंद करवा दो सॉरी नहीं हो सकती निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठंडे खून वाला है ठीक है देखिए कौन सा जानवर ठंडे खून वाला होगा ठीक है गर्म खून वाले कल हमने पढ़े थे गर्म खून वाले कौन होते हैं स्तनपाई और पक्षी ठीक है मतलब मैमल्स और बर्ड ठीक है और ठंडे खून वाले कौन होते हैं बेसिकली आपके ठंडे खून वाले ठीक है सरीसृप उभयचर और पक्षी ओ सॉरी उबेचर और मछली तो देखो बंदर क्या है स्तनपाई है ये गर्म खून वाला है लोमड़ी स्तन पाई है ठीक है सर ठंडा ब्लड है इसका क्योंकि ब्लड का टेम्परेचर ठंडा है इसलिए ठंडा ब्लड है ठीक है नेक्स्ट थिंग निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गर्म रक्त वाला है सांप मेंढक सेलेमेंडर या दरियाई घोड़ा तो अभी आपको ठंडा खून वाला पहचानने के लिए बता दिया था और हिंट दे दी सारी गर्म खून वाला बताओ कौन होगा सांप मेंढक ठीक है आपका दरियाई घोड़ा या फिर सेलेमेंडर अच्छा एप्लीकेशन पे अभी भी चल रही है ओके ओके करवाता बन भाई, ओ भाई। एप्लीकेशन पे जो क्लास चल रही थी अभी वो तो अभी भी चल रही है तो वेरी गुड आंसर टू बी दरियाई घोड़ा दरियाई घोड़ा इज ये आपका मैमल है और मैमल और बर्ड्स आपकी क्या होती है गर्म रक्त वाले जानवर होते हैं तो डी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट थिंग इज आपका मोहेर किससे प्राप्त होता है मोहेर ठीक है भेड़ से बकरी से याक से या खरगोश से ठीक है तो ये कुछ आपको याद रखनी पड़ेगी मोहेर पश्मीना आपको पता है मोहेर बताइए किससे प्राप्त होता है भेड़ से बकरी से याक से या फिर खरगोश से मोहेर किससे प्राप्त होता है सर एप्लीकेशन पे क्लास कब होगी आचार व्यच में आचार व्यच में तो चल रही है भाई आ मैम कब पढ़ाएंगे अभी थोड़ी तबीयत खराब है और ठीक हो जाए चलिए तो मोहर किससे प्राप्त होता है मोहर प्राप्त होता है बकरी से ठीक है मोहेर एक ऊन का नाम है जो कि आपका अंगोरा गोट से अंगोरा बकरी से प्राप्त होता है अंगोरा बकरी ये क्या है आपकी एक ऊन का नाम है क्या मोहेर है क्या पहले भी बताएस बार बताएं बताएर ऊन का नाम है और यह अंगोरा बकरी से प्राप्त होता है चलिए तो राइट आंसर नेक्स्ट इज रेशम कीट की ऊन किस असे अवस्था से प्राप्त होता है ठीक है कोकून से कोशस्थ कीट से अंडे से या किसी से भी नहीं फ्रॉम विच स्टेज ऑफ सिल्क वोम वूल इज ऑप्टेंड अंगोरा मोहेर नहीं बेटा अंगोरा गोट से मोहेर मिलता है अंगोरा रैबिट से अंगोरा ऊन मिलता है अंगोरा एक ऊन का भी नाम है ठीक है चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अंगोरा बेटा वो अंगोरा अंगोरा रैबिट भी तो होता है अंगोरा रैबिट से आपका अंगोरा ऊन मिलता पश्मीना कश्मीरी गोट से मिलता है ठीक है मोहेर अंगोरा गोट से मिलता है और शीप से मिलता है ये सब ऊन की वैरायटी है चलिए तो रेशम कीट की ऊन किस अवस्था से प्राप्त हो जाता है बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया कविता यादव वेरी गुड मोयर क्या है ऊन ऊन है ऊन 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 ठीक है वेरी गुड कविता यादव वेरी गुड ठीक है स्पेशली तुमको टैग किया है मैंने बहुत अच्छा है ठीक है तुमने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा बाकी सबका भेड़ है बाकी सब जो क्लास में पढ़ने आए हैं वो सबका है भेड़ गऊ है गऊ ठीक है जहां सारी गाय जाएंगे ना हम भी वहीं जाएंगे जहां सारी बकरियां जाएंगे हम भी वहीं जाएंगे जहां सारी भेड़ कूदेंगे हम भी वहीं कूदेंगे क्वेश्चन में लिखा है रेशम कीट की ऊन किस अवस्था से मिलता है ये एक बात बताओ ऊन रेशम कीट से कब से मिलने लगा ठीक है ऊन ना रेशम कीट से कब से मिलने लगा है? बहुत अच्छे टीचर बनने वाले हो तुम लोग आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी नन अगर मैंने यह पूछा होता रेशम कीट की किस अवस्था से रेशम प्राप्त होता है तब तो यह आंसर लग जाता कोकून तब तो आंसर लगा देते का कोकून ठीक है बट नहीं रेशम हम तो चलेंगे रेशम कीट पढ़ लिया सर ने पूछा है नीचे अवस्था लिखी है सिल्क पूछा होगा हे हे यही है फर्स्ट आंसर शुक्र मनाओ तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी पाए हो तुम लोग मैं कह रहा हूँ शुक्र मनाओ रोज जाके ना जिस भी भगवान को मानते हो ना चढ़ावा चढ़ाया करो ठीक है अरे बाई चांस मैं आ जाता ना सीटेड में क्वेश्चन मनाने तुम लोगों की आत्माएं ऐसी सुखा देता कि तुम नचते हुए फर रहे होते कितने यूट्यूब से पढ़ लो कितने भी कहीं से पढ़ लो रोला लेता तुम लोगों को निकालेंगे ऊन रेशम कीड़े से हाथी के सोने का समय है छह घंटे आठ घंटे दस घंटे कोई भी नहीं हाथी के सोने का समय है ठीक है छह घंटे आठ घंटे दस घंटे या कोई भी नहीं चलो वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी ठीक है इट इज टू टू फोर आवर्स ठीक है हाथी केवल कितने घंटे के लिए सोता है या आराम करता है दट इज दो से चार घंटे के लिए नेक्स्ट थिंग इज डायनासोर किसके अंतर्गत आता है एवस ग्रुप में सरी सर्पो में स्तनधारियों में या मीन राशि वालों में सही है मीन राशि वाले या फिर मीन मत्स्य वर्ग में ठीक है डायनासोर किसके अंतर्गत आता है डायनासोर किसके अंतर्गत आता है सर सीटेट का फॉर्म कब आएगा आ जाएगा बेटा ठीक है टेंशन मत मतलब। लो जैसे ही आएगा सारे यूट्यूब चिल्लाने लगेगा हल्ला मत जाएगा यूट्यूब आ गया है इस दिन आ गया जय दिन बोला था क्यों सर बोला था ना यहाँ हाँ बोला था टेंशन मत लो आ जाएगा तुम्हें तो खुद पता लग जाएगा मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से पूछने की नहीं जरूरत पड़ेगी चलिए तो आपके बेसिकली डायनोसोर जो हैं वो आपकी पुरानी प्राचीन समय की छिपकलियां हुई करती थी और छिपकलियां आपकी किस में आती है रेप्टाइल्स वर्ग में आती है बी विल बी द राइट आंसर आज के आधुनिक युग के मॉडर्न डायनासोर जो बोले जाते हैं मॉडर्न डायनासोर वो आपका रेप्टाइल सरीसरप को बोला जाता है ठीक <laughs> है तो सरिश्रप को बोला जाता है नेक्स्ट इज अगला क्वेश्चन विश्व प्र, आ, प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है प्रवासी पक्षी जो अपना घर छोड़ के दूसरे जगह पर क्या करते हैं प्रवास करते हैं माइग्रेशन करते हैं ठीक है ये कि किस दिन मनाते हैं दस अक्टूबर ग्यारह अक्टूबर बारह अक्टूबर तेरह अक्टूबर सर आप मैच नहीं देख रहे क्या अब बेटा मेरा अगर क्लोन होता तो एक मैं किसी के पास भेज देता एक मैं मैच ले, देखने भेज देता एक मैं घर वालों के पास छोड़ देता एक मैं तुम्हारे पास छोड़ देता एक तुम्हारा पेपर देने भेज देता ठीक है बट क्या करे ह्यूमन क्लोनिंग बैंड है तो हम इकलौते प्रोडक्ट ही है तो कैसे देख ले या तो तुम्हें पढ़ा ले या पर देख ले चलिए आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है दस अक्टूबर को हर साल हम मनाते हैं विश्व प्रवासी पक्षी दिवस नेक्स्ट थिंग इज सबसे तेज तैरने वाला पक्षी कौन सा है पेंगुइन फ्लैमिंगो, मराल बतख या फिर हॉर्नबिल तो बताओ सबसे तेज ठीक है गोता लगाने वाला पक्षी कौन सा है? सबसे तेज तैरने वाला पक्षी कौन सा है? वेरी गुड आंसर टू दिस क्वेश्चन क्योंकि पेंगुंस फ्लाइटलेस बर्ड है ये उड़ नहीं सकती उड़ नहीं सकती इसलिए इनकी बोन्स जो है हॉलो नहीं होती स्ट्रॉन्ग बोन्स होती है तो जब ये पानी में घुसती है तो एक वजन लेके घुसती है That's why गोता लगा कर रहे। आग, आग, आग. बड़े प्यार से चलते हैं, वैं, 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 वैं। वैं। बहुत प्यार से चलते हैं, ग्रुप में आडे टेढ़े होके चल रहे होते शेर तेंदुआ भाग सभी किस प्रजाति में आते हैं सोलेनम में टिगरिस में पेंथेरा में या फेलेस में सर इन क्वेश्चन का पीडीएफ कहा मिलेगा नित्तू वर्मा अभी दिखा देंगे चलो तो शेर तेंदुआ बाघ ये कौन से आपकी प्रजाति को बिलोंग करते हैं ये सब क्या है पेंथेरा प्रजाति के बिल्लियां पेंथेरा का मतलब होते हैं बड़ी बिल्लिया ठीक है फेलिस का मतलब होता है छोटी बिल्लिया तो जो छोटी आपके घर में कैट आती है वो फेलिस में आती है और जो बड़ी बिल्लियां होती है वो पेंथेरा प्रजाति में आती है ठीक है तो सी विल बी द राइट आंसर नेक्स्ट थिंग इज निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी तीन भारतीय राज्यों का राज पक्षी है। और ये मैं आपको जब यूपी टेट पढ़ाया था उस टाइम पे ये वाला क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं वो आपका कर्नाटक आंध्र प्रदेश और ओडिशा इन तीन राज्यों का यह राजकीय पक्षी है कौन सा पक्षी है पहाड़ी में ना ब्लू जे जैसे भारतीय रोलर भी बोलते हैं ग्रेटर फ्लैमिंगो या ग्रेट हॉर्नबिल चलिए तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ठीक है जो आपका ब्लू जे है जिसे हम भारतीय रोलर भी बोलते हैं ठीक है, है यह आपका कर्नाटक आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का राजकीय पक्षी है is, नामक, दुनिया का सबसे जहरीला सांप निम्नलिखित में से कौन सा है ठीक है हाइड्रोफिस नामक दुनिया का सबसे जहरीला सांप निम्नलिखित में से कौन सा है एडर बोआ कोबरा या समुद्री सांप देखिए आपको मैंने बताया दुनिया का सबसे जहरीला सांप होता है ताइपन ठीक है दुनिया का सबसे जहरीला होता है, ताइपन। बट एक और होता है, जो जहरीला होता है बट नहीं होता ठीक है एग्रेसिव नहीं होता, होता मतलब वो खुकार नहीं होता जैसे कि किंग कोबरा ताइपन ब्लैक एडर मां्बा इन सबको आप छेड़ोगे तुरंत गुस्सा हो जाएगा ठीक है वो थोड़ा महात्मा गांधी के समझ सांप है ठीक है वो कस शांत रहता है तुम उसे छेड़ रहे हो यो देख मत छेड़ ठीक है तुम छेड़ रहे हो कह नहीं नहीं उंगल करेंगे यहाँ कह देख भैया मत छेड़ मैंने काट लूंगा तो आत्मा छोड़ जाएगी टाए से तुम बोलोगे बाए से मत छेड़ ठीक है तुम छेड़ने वाले अरे भैया कह रहे ना भैया मत छेड़ छेड़े काये अपने घर में है ना टाए टाए करवाया चाहे भैया मत छेड़ ठीक है तो वो शांत किस्म का सांप है इसलिए ज्यादा जल्दी नहीं काटता इसलिए उसका नाम नहीं आता बट है वो दुनिया का सबसे जहरीला तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी देखो हाइड्रो का मतलब है वॉटर से रिलेटेड तो ये है आपका हाइड्रोफे सी स्नेक ठीक है तो डी विल बी द राइट आंसर डी विल बी द राइट आंसर चलो, जानवरों का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त जीवित समुद्री जानवर है मतलब केवल समुद्र में ही देखने को मिलते हैं ये जीव और कहीं नहीं आपको तालाब में नहीं मिलेगा आपको नदी में नहीं मिलेगा झरने में नहीं मिलेगा ठीक है दलदल में नहीं मिलेगा केवल समुद्र में मिलेगा आर्थोपोडा ठीक है मोलस्का या नीमेटोडा तो कौन सा आपका समुद्री जीव है नाग दबोइया करैत हाँ वो भारत में मिलने वाले सांप है बेटा तो करते क्यों नहीं प्यार हमसे हाय दैया प्यार हमसे क्यों नहीं करते पसंद नहीं आया भाई तू और क्या इसलिए नहीं करते प्यार मुझसे गुस्सा हो आप ना भाई मैं किसी से गुस्सा नहीं हूं अब अगर तुम किसी और से बात कर रहे हो तो अलग बात है एकाइनोडर्माटा ठीक है एकाइनोडर्माटा ये आपकी केवल समुद्री जीव होते हैं ये समुद्र में ही मिलेंगे जैसे कि आपकी स्टारफिश वगैरह ठीक है सी कुकुम्बर सोलोथुरिया ठीक है सी अर्चिन सी लिली ये सारे जानवर आपके केवल समुद्र में देखने को मिलते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कुआला कहां पाए जाते हैं ठीक है भारत में श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया में चीन में भारत में श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया में चीन में सर ने देख लिया का है लाली प्यार ना करते। नहीं करूंगी नहीं करूंगी जा क्या कर लेगा हम तुम्हारी याद में मर जाएंगे क्या करोगी ऐसे हमको छोड़ के जाएगी कि मुझे छोड़ के जो तुम जाओगी बड़ा गजब बढ़िया चैटिंग में सेटिंग चलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं आपके कोआला तो ये थी आपकी आज की क्लास ठीक है और भाई अगर आपके घर में कोई यूपी ट्रिपल एस पेट मास्टर टेस्ट सीरीज की तैयारी कर रहा है तो ये उनको मिलेगी एक रुपए में आपको अप्लाई करना है ठीक है कूपन कोड पेट नाइनटी इसमें आपको दस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेगी सेक्शन टेस्ट हर सब्जेक्ट के मिलेंगे और लाइव डिस्कशन मिलेगा फुल लेंथ टेस्ट पे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करें या फिर व्हाट्सएप सॉरी डाउनलोड करें एग्जाम्पुर का ऐप और एस एस सी सी जी एल प्री और मेन्स का ऑफिसर बैच आ चुका है इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए जिसमें सेवेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट में आपको ये बैच मिल रहा है ट्रिपल नाइन में सी जी एल सेवेंटी फाइव कोड है ठीक है लाइव क्लासेस मिलेंगी पी डी एफ नोट मिलेंगे स्ट्रक्चर स्टडी प्लान मिलेगा प्रैक्टिस सेशन मिलेगा और टेस्ट सीरीज मिलेगी और यह ऑफर केवल 25 सितंबर तक के लिए है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं बट 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 जाने से पहले <laughs> कल है क्या शनिवार शनिवार राति मुझे नींद नहीं आती <laughs> कल क्या है कल है टेस्ट हाँ सर प्लीज पीडीएफ के बारे में बता दो भैया जिन जिन को पीडीएफ लेनी है ना भैया है ना भैया भैया देख रहा है पीडीएफ पीडीएफ चिल्ला रहे हैं इनको पता नहीं है पीडीएफ कहाँ मिलती है देखा भैया बिनोद यूट्यूब खोलने का विनोद ठीक है कोई भी जेड वीडियो खोलोगे एग्जामपुर टीचिंग स्कूल का जैसे कि यही वाली वीडियो आप खोल रहे हो आपने ये खोल ली ठीक है यहां देखो डिस्क्रिप्शन में जाना यहां पर डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा डाउनलोड एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप ठीक है अगर नहीं डाउनलोड है तो कर लेना आपके लिए एक स्कीम लेके आने वाले हैं हम लोग ठीक है और एक ये लिखा होगा सी टेट दो के लाइव क्लास टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें एच ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है आप इसे क्लिक करोगे ऐसा एक बन के आ जाएगा क्या ऐसा वन नाइन वन एट सब्सक्राइबर है इसमें ठीक है तो इसे ज्वाइन कर लीजिएगा यहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी ठीक है तो कल है टेस्ट ठीक <laughs> है तो कल है टेस्ट और टेस्ट है कल तो मिलेंगे कल दो घंटे की क्लास रहेगी टेस्ट देंगे को क्या होता है ले बेटा देख ले घूमते में चंदा है फिर भी ये फैला और उजाला एक पिक्चर आई थी कोयला उसमें नहीं था कोई भी कोला देख ले इस जानवर को कहते वो दिख रहा है ना ये यूक्लिप्टस की पत्तियां ही खाता है केवल ठीक है चलो तो मिलते हैं कल टिल देन हैव ए नाइस डे बाय बाय गुड नाइट टेक केयर थैंक यू भाई ये बंद करके एक छो...